एवरीवन, आई एम डॉक्टर महिमा उपाध्याय। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तम्बाकू यानी कि टोबैको का आपकी फर्टिलिटी पे कितना बैड इफेक्ट पड़ता है, कैसे इसको ये बैडली इफेक्ट करता है और बांझपन को बढ़ा सकता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो तम्बाकू होता है, आप वो उसको किसी भी फॉर्म में लें, या तो आप स्मोकिंग करते हैं, या तम्बाकू आप चबाते हैं, या किसी और तरह से तम्बाकू का सेवन करते हैं, तो कोई भी फॉर्म तम्बाकू की मेल और फीमेल यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की फर्टिलिटी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की जो नंबर ऑफ एग्स हैं, जो उनकी अंडेदानी में जो अंडों की संख्या होती है, वो बहुत जल्दी से कम होती है। 30 साल की उम्र में किसी फीमेल की जो संख्या अंडों की मिलनी चाहिए, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी वो संख्या 35 से 36 साल की महिला के बराबर होगी। यानी कि आपकी जो ओवरीज हैं, आपकी अंडेदानी की जो एजिंग है, वो 5 से 7 साल फास्ट होती है। इसके अलावा जो मेल्स होते हैं, उनके शुक्राणुओं में नंबर कम हो सकता है, उनकी क्वालिटी खराब हो सकती है और मोटिलिटी भी खराब हो सकती है। यानी कि जो स्पर्म्स के तीनों पैरामीटर्स जिनको हम असेस करते हैं, वो तीनों ही टोबैको से बैडली अफेक्ट होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ठीक है, हम किसी भी तरह IVF से प्रेगनेंसी कर लेंगे, तो ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो टोबैको का कंजप्शन करते हैं, IVF के रिजल्ट्स भी उन लोगों में नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी ख़राब होते हैं। IVF फेलियर्स हो सकते हैं, बार बार IVF की अटेम्प्ट हमें लेनी पड़ सकती है, और किसी तरह अगर IVF प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उसके आउटकम भी पुअर रहते हैं। कई बार बेबीज जो होते हैं उनमें एनोमलीज यानी कि बच्चों के अंगों में भी बैड फर्क पड़ता है, और उसमें कुछ ना कुछ खराबी आने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ने का यानी कि टोबैको को छोड़ने का मन बना लेते हैं और वैसा कर पाते हैं, तो ये जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं ये सारे रिवर्सिबल हैं। आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो सकती है, आप जल्दी कंसीव कर सकते हैं, और आपके IVF के रिजल्ट भी बेहतर हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अभी भी स्मोकिंग करते हैं तो आप आज ही छोड़ने का मन बनाएंगे तो आपके आगे के आउटकम्स बेटर हो सकते हैं।